हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग की दाल के दही भल्ले की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने बनाए मूंग की दाल के दही भल्ले, और इधर मैंने लिए धोवा मूंग की दाल, जिसे मैंने रात में अच्छे से वॉश कर भिगो दिया था, और सुबह इसे मिक्सी में पीस लिया। इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे मिक्सी में जार की मदद से पीस लूंगी। और आपको इसे दरदरा पीसना है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक पीसना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इधर मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर पेस्ट बन चुका है, आप देख सकते हो। एक बार का मैंने इसमें पेस्ट बना लिया है, अब मैंने दोबारा पेस्ट बनाया है। तो यहाँ पर मैं इसे भी ऐड कर लूँगी, और आपको मैं अच्छे से एक बार दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ही आपको पेस्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसे हम अच्छे से फैट, हमें क्या करना है, इसे अच्छे से फैटना है। जितना फैटोगे ना, उतने अच्छे आपके दही भल्ले बनेंगे, उतने स्पंजी और उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चम्मच की मदद से एक तरफ फैट रही हूँ। और आपको क्या करना है, जब आप इसे फैटोगे तो आपको एक ग्लास में पानी लेना है, और थोड़ी सी दाल उसमें डाल के देखनी है। अगर आपकी दाल ऊपर तैरती है तो आप समझ लेना कि आपका पेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से इसे फेंटूंगी, और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, सॉरी, क्योंकि मुझे ना जुकाम हो रहा है, और जुकाम तभी मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैंने दाल भी फेंट ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी चटनी, क्योंकि दाल मैंने फेंट के एक तरफ रख दी है। और मैंने दाल को थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया है। अब हम इसमें बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अमचूर पाउडर की चटनी। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के लगभग अमचूर पाउडर लिया है, और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आप इमली की भी बना सकते हो, बट जैसे कि अमचूर की बनाते तो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है, और बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मैंने अमचूर पाउडर लिया है, और इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, और जो ये अमचूर पाउडर है इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी, जिससे क्या है कि इसमें लम्स ना पड़े। आपको इस तरीके से इसे मतलब कि पानी में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, नमक। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी बाउल चीनी, और मैं यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच नमक, और इसे हम अमचूर पाउडर में मिक्स कर देंगे। और इधर मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसे भी हम अमचूर पाउडर में मिक्स कर देंगे। जो हमने पेस्ट बनाया है इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है, और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब मैं मिला रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने गर्म मसाला भी ऐड कर दिया है, और इधर मैंने लिया है एक चुटकी काला नमक पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी काला नमक डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम सबको इन्हें पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, जीरा लेना है और उसे भून लेना है, जो कि हम कुछ जैसे कि जब हम सर्व करेंगे दही भल्ले तो उसमें डालने के लिए, और कुछ हम चटनी में डाल देंगे। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसे एक बार और मैं फैट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे भी अच्छे से फैट दिया है। तब तक चटनी बनकर रेडी होगी, तब तक मैं इसे एक बार और अच्छे से फैट देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें भी अच्छे से फैट लगा दी है, इसे अच्छे से फैट लिया है। अब हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हो इसमें हल्का सा बॉईल आ गया है, और आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है। जो हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर और काला नमक डाला था, उससे क्या है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो गई है, लाल चटनी। और आप इसमें केला या क्या नाम है, किशमिश, अंगूर भी डाल सकते हो। जैसे कि ठंडी हो जाएगी तब आप इसमें केले काट कर अंगूर और किशमिश भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है। बस मैं यहाँ पर जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इधर मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, और कुछ जीरा पाउडर मैं जब दही भल्ले सर्व करेंगे तब डालूंगी। तो यहाँ पर लाल चटनी बनकर हो गई है तैयार, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाल चटनी बनकर तैयार हो गई है। और इधर मैं अब कर रही हूँ, इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें मैंने नमक और हींग डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा 1-2 गिलास पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के लगभग पानी लिया है, इसमें 1 लीटर पानी ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के लगभग पानी ले लिया, सॉरी। और इसमें मैंने डाल दिया नमक और हींग। अब इसको एक
हल्के हल्का सा आपको गुनगुना करना है। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया और इसे गुनगुना कर दिया है। तब तक ही तेल गर्म होता है, तब तक आप एक बार और इसे अच्छे से फैट लेना। तो यहाँ पर मैंने एक बार चम्मच से इसे अच्छे से फैट लिया है। अब आपको क्या करना है, जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। और मीडियम फ्लेम पे करके तब आपको जैसे कि पकौड़े बनाते हैं उस तरीके से आपको बस ये जो दाल का मिक्सर है वो ऑयल में छोड़ना है। तो आप इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हो, इसे मतलब कि आप गोल शेप में बना सकते हो और गुंजिया की शेप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इन्हें गोल शेप में बना रही हूँ और इसी तरीके से आपको इन्हें पकाना है। एक तरफ मैंने रख दिया था नमक और हींग का पानी। तो यहाँ पर नमक और हींग का पानी भी बॉयल हो चुका है, हल्का सा गुनगुना करना है बट बस उन्हें। तो यहाँ पर वो भी हो चुका है और इधर पकौड़े भी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तब इन्हें हमें नमक और हींग के पानी में डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पकौड़े भी ठंडे हो चुके हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी मतलब ये कट कर दी है, जब ये ठंडे हो गए थे ना तब मैंने इन्हें इसमें डाला है। तो यहाँ पर ये हल्का सा गुनगुना पानी है, ये नमक और हींग का पानी है, जिससे क्या है कि जो आपके दही बल्ले हैं उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हींग और नमक का फ्लेवर उभर के आता है। तो इसमें मैंने हींग और नमक के पानी में इन्हें डाल दिया है। अब मैंने दूसरी बार के फिर मैं निकाल रही हूँ और इन्हें भी ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोबारा जो दही बल्ले बनाए थे उन्हें भी मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से आपको सारे दही बल्ले बना लेने हैं। इधर मैंने लिए 200 ग्राम के लगभग दही और इसमें मैंने आधी चम्मच चीनी ऐड कर दी है और इसे हल्का सा फैट लेंगे। इसे आपको मिक्सी में नहीं फैटना है, ना ही मिक्सी में चलाना है, बस हल्का सा फैटना है। तो यहाँ पर दही भी रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है हरी चटनी। और हरी चटनी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 3 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल सकते हो, 1 या 2 भी डाल सकते हो। और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पर अदरक का और इसमें मैंने अदरक भी ऐड कर दी है। अब हम लेंगे यहाँ पर 1 नींबू और यहाँ पर मैंने नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है आधी चम्मच के लगभग काला नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर हरी चटनी भी बनकर हो गई है तैयार। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर दही बल्ले बनकर हो गए हैं रेडी। और जो हमने हींग और नमक का पेस्ट सॉरी पानी बनाया था उसमें हमने ये दही बल्ले 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पर दही बल्ले बनकर हो गए हैं रेडी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इनके ऊपर दही और दही आपको ज़्यादा मात्रा में डालनी है क्योंकि दही बल्ले का मतलब होता है कि दही में अच्छे से भिगोए हुए। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया। अब मैंने इसमें डाली है हरी चटनी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल चटनी। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी डाल दी, अब मैंने डाल दी यहाँ पर लाल चटनी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर। तो यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर बना के रख रखा था और अब मैंने इसके ऊपर जीरा पाउडर डाल दूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें वाइट नमक और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है और अब दही बल्ले बनकर हो गए हैं तैयार। आप भी आ जाइए, आप भी खाइए और अपनों को खिलाइए। आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।